राहुल वैद्य हैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट कि बिग बॉस 14 की ट्रॉफी उन्हीं के हाथ लगेगी। जब आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होता है तो आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है। इस वक्त बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी काफी तारीफ हो रही है, राहुल वैद्य। राहुल वैद्य की बिग बॉस के घर में भी काफी तारीफ हो रही है और बिग बॉस के बाहर भी हो रही है। यहाँ पर फराह खान आई थी, फराह खान ने भी राहुल की काफी तारीफ की थी और बिग बॉस के बाहर भी राहुल की काफी तारीफ हो रही है। बिग बॉस का एक अनदेखा वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल वैद्य, पवित्रा पुनिया, जान कुमार शानू और शार्दुल पंडित बैठ करके गार्डन एरिया में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बातें हो रही है वो ये हो रही है कि सबने जो रीजन बताए कि वो बिग बॉस में क्यों आए, जैसे कि राहुल वैद्य कहते हैं कि अभिनव शुक्ला क्यों आए, रुबीना क्यों आई, जैस्मीन क्यों आए, अली क्यों आए, इन्होंने जितने भी रीजंस दिए वो मुझे रीजंस सही नहीं लगे। तो ही शार्दुल पंडित कहते हैं कि मेरे बिग बॉस में आने का रीजन यही कि मेरे पास काम नहीं था। फिर राहुल वैद्य कहते हैं कि कोविड की वजह से इस साल मेरे पास शो नहीं थे तो मैंने सोचा कि ये कर लेता हूं और यहां आकर मुझे पता चला कि यहां पर आने के बहुत सारे रीजंस हैं, अब मुझे लगता है ये मेरा है। जिसके बाद राहुल वैद्य कहते हैं बिग बॉस 14 इज माइन, क्योंकि 14 नहीं 4 और 1 5 होता है और 5 मेरा नंबर है, तो ये शो मेरा है। जिस तरीके से राहुल वैद्य बात कर रहे हैं और उनकी बातों में ये झलक रहा है कहीं ना कहीं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस 14 के विनर बनेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इस पर आपका क्या कहना है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राहुल वैद्य बनेंगे बिग बॉस 14 के विनर। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। थैंक यू।